अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद उसामा नईम। आज की वीडियो से हम लोग अपने इस ब्लॉगिंग के कोर्स का आगाज़ करने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको ब्लॉगिंग का इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें बताया था कि ब्लॉगिंग क्या होती है और उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई तो आपको ऊपर आई बटन में जो है उसका लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा जो है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो से हम लोग जो है अपने ब्लॉगिंग के कोर्स का जो है बकायदा आगाज़ करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से ब्लॉगर पर साइन अप करते हैं, उसके अलावा उस पर वेबसाइट कैसे बनाते हैं, उसकी कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं, उसके लिए आपको प्रीमियम थीम कहाँ से मिलेगा और उसकी थीम की कस्टमाइजेशन कैसे करें, ये सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये मैंने अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने सर्च करना है ब्लॉगर। ब्लॉगर सर्च करने के बाद ये जो सबसे पहली वेबसाइट है मैंने इसको ओपन करना है। अब यहाँ पर मैंने क्रिएट योर ब्लॉग का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर मैंने अपने जीमेल अकाउंट से जो है लॉग इन कर लेना है, क्योंकि हम ब्लॉगर का अकाउंट सिर्फ अपने जो है जीमेल पर ही बना सकते हैं, क्योंकि ये गूगल की ख़ुद की सर्विस है। यहाँ पर मैंने इसका पासवर्ड टाइप करना है, ये मैं अपनी जीमेल का पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ। ब्लॉगर का कोई पासवर्ड नहीं होता, आपकी जीमेल से ही आपके ब्लॉगर अकाउंट में लॉगिन हो जाते हैं। अब ये जो फॉर्मेलिटीज़ हैं इनको मैं यहाँ पर स्किप कर देता हूँ, नोट नाउ करता हूँ इसको और ये आगे कंटिन्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने अपने ब्लॉग के लिए जो नाम रखना है वो मैंने यहाँ पर टाइप करना है। आपने जो अपने ब्लॉग का रखना है वो आप नाम रखेंगे, मैं क्योंकि एक सैम्पल वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर सैम्पल वेबसाइट लिख देता हूँ। अपने ब्लॉग के लिए नाम करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपने ब्लॉग का यूआरएल हमने लिखना है, जैसे ये ऊपर आपको blogger.com एक यूआरएल शो हो रहा है, वैसे ही हमने अपने ब्लॉग के लिए कोई यूआरएल यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सैम्पल वेबसाइट और साथ में देखता हूँ ये अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ पर कोई एडिशन कर देता हूँ, 1 2 3 लगा देता हूँ। ये भी नहीं है तो 7 0 0 लगा देता हूँ, तो ये अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ कंफर्म योर डिस्प्ले नेम पे आपने अपना नाम जो है आप जो चाहते हैं कि राइटर का नाम शो वो यहाँ पर टाइप कर देना, तो मैं यहाँ पर भी सैम्पल वेबसाइट ही लिख देता हूँ। अब इसके बाद ये फिनिश पर क्लिक कर देना है और ये नीचे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई, नीचे प्रोसेसिंग लिखा हुआ आ गया, तो ये हमारी वेबसाइट जो है अब बनने के प्रोसेस में आ गई है। तो ये हमारा ब्लॉगर पर जो है अकाउंट क्रिएट हो गया और हमारी जो है वेबसाइट जो है क्रिएट हो गई है। अभी यहाँ पर जो है ज़ीरो पोस्ट शो हो रहा होगा, क्योंकि अभी तक हमने कोई पोस्ट शो ही नहीं की, नो पोस्ट शो हो रहा है। इसके अलावा ये जो साइड पर जो है ये बार, अगर मैं इसको स्लाइड डाउन करके व्यू ब्लॉग पर अगर क्लिक करूँ तो ये मुझे दिखाएगा कि मेरा ब्लॉग इस टाइम किस तरह का नज़र आ रहा है। मेरा ब्लॉग इस टाइम इस तरह का सिंपल सा नज़र आ रहा है, सैम्पल वेबसाइट लिखा हुआ ब्लॉग का नाम नज़र आ रहा है, उसके अलावा ये सिंपल सा जो है ब्लॉगर का खुद का जो है मैनुअल थीम जो है ये वो शो हो रहा है। यहाँ पर हम इसकी भी प्रॉपर जो है कस्टमाइजेशन करेंगे, इसको देखेंगे इसमें चेंजिंग कैसे करते हैं। लेकिन अभी हमें पहले क्या काम करना है, हमें प्रॉपर कस्टमाइजेशन से पहले हमें अपने ब्लॉग पर एटलीस्ट जो है 4 से 5 ब्लॉग्स जो है वो हम जो है अपने ब्लॉगर पर वो हम टाइप कर लेंगे। आपने अपने ब्लॉग में लिखना क्या है वो मैं आगे आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, लेकिन इस वीडियो में हम कस्टमाइजेशन करेंगे। तो उसके लिए मैं बताता हूँ कि आपने कस्टमाइजेशन के लिए आपने सिंपल से ब्लॉग यहाँ पर जो है टाइप कर लेना है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने टाइप किस तरह से करना है। उसके लिए हम बैक आते हैं डैशबोर्ड वाले पेज पर। यहाँ पर आने के बाद ये जो विंडो है स्लाइड वाली, इसको मैं ऊपर करता हूँ। यहाँ पर न्यू पोस्ट का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नीचे क्रिएटिंग न्यू पोस्ट का जो है वो भी ऑप्शन शो हो गया होगा और यहाँ पर ये जो है ये विंडो ओपन हो गई है जहाँ पर अब हम अपना न्यू ब्लॉग जो है वो टाइप करेंगे। यहाँ पर मैं माई फर्स्ट ब्लॉग या माई फर्स्ट पोस्ट जो है वो टाइप कर लेता हूँ, माई फर्स्ट ब्लॉग ही रहने देता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग। इसके बाद ये जो साइड पे लेबल्स हैं ये बड़े ज़रूरी हैं, या आपने टाइप कर लेना है। यहाँ पर एक कैटेगरी डिफाइन कर देनी है, ये आगे जाकर मैं आपको बताऊँगा ये क्या चीज़ है। ये करने के बाद हम पब्लिश पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पब्लिश पोस्ट के आगे कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा पहला ब्लॉग जो है वो पब्लिश हो गया हुआ है।
अब इसी तरह से आपने कम अज़ कम जो है 5 ब्लॉग्स जो है वो ऐसे टाइप कर लेने हैं। सबसे पहले कस्टमाइजेशन से पहले आपने एटलीस्ट 5 ब्लॉग्स जो हैं वो टाइप कर लेना है। मैं दोबारा से न्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अब इसके टाइटल में जो है माय सेकंड ब्लॉग या ब्लॉग 2 जो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, और ये जहाँ पर ब्लॉग लिखना है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ माई सेकेंड ब्लॉग। और उसके बाद यहाँ पर लेबल्स में इसकी एक जो है वो कैटेगरी डिफ़ाइन कर देनी है। अभी ये मैं आपको वैसे ही रफली बता रहा हूँ क्योंकि हमने अभी यहाँ पर थीम कस्टमाइजेशन करनी है। आगे मैं आपको इसका ब्रीफली बताऊँगा कि ये अगली वीडियोस में कि ये आप इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक और डिफ़ाइन कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ओल्ड ब्लॉग या न्यू ब्लॉग के एक और कैटेगरी डिफ़ाइन कर देता हूँ जो कि 2-3 ब्लॉग्स के अंदर कॉमन रहे, एक न्यू ब्लॉग और एक ओल्ड ब्लॉग, और इसके बाद मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। अब इसी तरह से मैं 2 और ब्लॉग्स टाइप कर लेता हूँ। तो ये मैंने 5 जो है ब्लॉग्स यहाँ पर टाइप कर लिए हुए हैं, किसी में ओल्ड कैटेगरी है किसी में न्यू है। इसको मैं रिफ़्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। अभी ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, इस तरह का नज़र आ रहा है। अब हमने इसकी करनी है कस्टमाइजेशन ताकि ये प्रो वर्जन में शो। उसके लिए हमें प्रीमियम जो है टेम्पलेट चाहिए, वो हमें कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। अभी प्रीमियम टेम्पलेट फ्री में लेने के लिए आपने गूगल पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपने learnwithusama.com लिखकर आपने सर्च करना है। आपके सामने ये वाली वेबसाइट आएगी, यहाँ पर नीचे जो ब्लॉगर थीम आपको मेन्यू में इसके शो हो रहा है आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो कलर UI ब्लॉगर कस्टमाइजेशन जो है थीम कस्टमाइजेशन आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। आपने स्क्रॉल डाउन करना है और ये जो क्लिक हेयर लिखा हुआ है डाउनलोड कलर UI ब्लॉगर थीम क्लिक हेयर जो है आपने इस पर क्लिक करना है। ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा ड्राइव में। यहाँ पर जो है आपने ये जो कलर UI XML वाला जो वर्जन है आपने इस पर डाउनलोड जो लिखा हुआ है आपने इस पर क्लिक करना है। ये आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा, ये आपके पास जिप फॉर्म में डाउनलोड होगा। इसको अनजिप भी करना होगा आपने, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास जो है डाउनलोड होने वाला है, हो गया डाउनलोड। इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये जो है मेरे पास जो मेरे डाउनलोड्स हैं उसमें ओपन होगा। यहाँ पर मैंने इस पर करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद ये जो नीचे एक्सट्रैक्ट ऑल लिखा हुआ है मैंने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद मैंने देखना है कि मैंने ये कहाँ पर सेव करना है। आपने देख लेना है, आपने जहाँ पर भी सेव करना है मैं यहीं पर करके इसको ये जो नीचे एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है मैंने इस पर क्लिक कर देना है। मैंने एक्सट्रैक्ट पर क्लिक किया तो ये मेरे पास अनजिप फॉर्मेट में यहाँ पर जो है सेव हो गया। अब मैंने इसको अपनी वेबसाइट के अंदर अपलोड कर देना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि अब कैसे करना है। तो ये मैं वापस अपने ब्लॉगर पर आया हूँ। ब्लॉगर पर आने के बाद मैं आपको ये थीम पर मैंने जाना है। थीम पर जाने के बाद मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि अभी मेरे पास जो है वो किस तरह की है। मैं बैक आता हूँ, ये कस्टमाइजेशन पर आके ये जो रिस्टोर लिखा है मैंने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद मुझे ये जो अपलोड का ऑप्शन है मैंने यहाँ पर क्लिक करना है और वो जो फाइल वहाँ पे पड़ी है मैंने वो वाली जगह ओपन कर लेनी है और इसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो ये ओपन हो गया, ये जो XML फॉर्मेट में मैंने इस पर क्लिक करना है और ये यहाँ पर अपलोड हो गया। रिस्टोरिंग थीम लिखा आ रहा है नीचे और ये यहाँ पर रिस्टोर्ड थीम आ गया। यहाँ पर थीम प्रीव्यू इज़ करंटली अनअवेलेबल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपने इसको छोड़ देना, इसका कोई इशू नहीं। हम आते हैं मेन अपनी वेबसाइट पर, इसको आने के बाद यहाँ रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पर इसका पूरा इंटरफेस जो है वो अब चेंज हो गया होगा। इस तरह का इसका इंटरफेस अब आपको शो होगा। ये थोड़ा सा प्रीमियम वर्जन अब लग रहा है इसका, पहले तो बिल्कुल ही सिंपल सा था, अब ये थोड़ा सा कुछ देखने के काबिल हुआ है। अब हम इसके अलग से जो है कस्टमाइजेशन भी करेंगे, इसका मेन्यू चेंज करेंगे, हर चीज़ इसकी देखेंगे। तो वो अब कैसे करनी है वो अब आपको आगे इस वीडियो में मैं बताता हूँ, फॉलो करते रहें स्टेप बाय स्टेप। उसके लिए मैं वापस ब्लॉगर पर आता हूँ। ब्लॉगर पर आने के बाद ये जो लेआउट है मैंने यहाँ पर जाना है। ये लेआउट का जो ऑप्शन है ये ओपन करने के बाद आप ये सारी जो चेंजिंग जो कर सकते हैं, ऊपर ये जो मेन्यू है, ये जो लोगो है, ये हर चीज़ आप इसमें चेंज कर सकते हैं। ये जो सबसे ऊपर आपको थीम ऑप्शन है इसको आपने इग्नोर करना है। नीचे जो मेन लोगो है, इमेजेस लिखा हुआ है जिसमें इमेज लिखा हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे हम अपना लोगो जो है वो अपलोड करेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको किसी अगली वीडियो में बताऊंगा कि लोगो कैसे बनाते हैं। अभी मेरे पास क्योंकि पड़ा नहीं हुआ तो मैं कोई भी रैंडम सी इमेज अपलोड कर देता हूँ। अपलोड इमेज फ्रॉम कंप्यूटर, यहाँ पे आने के बाद मैं डेस्कटॉप पे आकर जो मेरे पास रैंडम इमेज पड़ी हुई है वो मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। ये जो ऊपर ब्लैक वाली इमेज है अभी के लिए मैं इसी को लगा देता हूँ, और लगाने के बाद मैं ये जो नीचे सेव लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दूंगा। अब जो ब्लैक इमेज है वो यहाँ पर अपलोड हो गया। मैं ये जो सेव लिखा है इस पर क्लिक करता हूँ। सेव लिखने के बाद, क्लिक करने के बाद मैं वापस अपनी वेबसाइट पर जाता हूँ और जाकर इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये जो है लोगो वो यहाँ पर लग गया होगा। ये ब्लैक इमेज आपको नज़र आ रही है, ये यहाँ पर लग गई हुई है।
अब इसके बाद ये जो मेन मेन्यू वाला ऑप्शन है, यहाँ पर जो है ये बाकी ऊपर वाले जो आपको मेन्यूज़ यहाँ पे नज़र आ रहे थे ये वो वाले हैं, ये ऊपर होम वगैरह वाले मेन्यूज़ जो हैं डाउनलोड द टेम्पलेट वाले, ये वाले मेन्यूज़ हैं। हम यहाँ पर आते हैं, इस पर हमने चेंजिंग करनी है होम वाले पे, इसका जो ये URL है ये कॉपी करते हैं और ये होम वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर जो है पेस्ट कर देते हैं URL साइट URL पे और इसको सेव कर देते हैं। अब ये जो बाकी मेन्यूज़ है यहाँ पर क्या, यहाँ पर वो जो हमने लेबल्स बनाए थे पहले, मैंने आपको शुरू में जो बताया था कि लेबल आपने लाजमी बनाना है, अब उनका काम है। मैं यहाँ पर कोई एक जो पोस्ट है वो ओपन करता हूँ, जैसे यहाँ पर ओल्ड ब्लॉग लिखा हुआ है इस पर, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ये जो ओल्ड ब्लॉग लिखा है इस पर क्लिक करके इसका कॉपी लिंक एड्रेस करता हूँ और वापस आता हूँ ब्लॉगर पर। जो मेन्यू था इसको मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ एडिट करने के लिए, एडिट पर क्लिक करके यहाँ पर जो है इसके साइट URL पे वो पेस्ट करता हूँ और इसका जो नेम है वो मैं यहाँ पर चेंज करके यहाँ पर जो है ओल्ड ब्लॉग लिख देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। अब बिल्कुल सेम काम जो है वो दूसरे ब्लॉग के लिए करना है, दूसरा जो हमारा लेबल था उसके लिए, जो कि न्यू ब्लॉग था। मैं देखता हूँ कि यहाँ पर न्यू ब्लॉग वाला कौन सा था, तो ये जो सेकंड ब्लॉग है ये था न्यू ब्लॉग वाला, फिफ्थ ब्लॉग दोबारा से ओपन हो गया, ये नहीं, ये जो सेकंड ब्लॉग ये जो साइड पर है ये था हमारा न्यू ब्लॉग वाला, यहाँ पर न्यू ब्लॉग है, इस पर मैं कॉपी लिंक एड्रेस करता हूँ और जाकर दोबारा से मेन्यू में इसको यहाँ पर पेस्ट करके इसको यहाँ पर न्यू ब्लॉग कर देता हूँ और वो जो URL था वो साइट URL में पेस्ट कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। और बाकी ये जो मेन्यूज़ हैं वो मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई अभी कैटेगरी नहीं है, आपके पास जब होंगी तो आप मज़ीद बना सकते हैं, तो मैंने भी ये सारे डिलीट कर देने। और उसके बाद ये जो एरो अप है इस पर मैं क्लिक करके न्यू ब्लॉग को ऊपर ले जाता हूँ और ओल्ड ब्लॉग को नीचे रहने देता हूँ। इसके बाद मैं ये जो सेव लिखा है इस पर क्लिक करता हूँ, आप ऐड अ न्यू आइटम जो है उस पर क्लिक करके जो है नई आइटम जब आपके कैटेगरी चेंज करेंगे तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद अब हम दोबारा से अपने ब्लॉग पर जाते हैं और उसको रिफ़्रेश करके देखते हैं होम पेज पर, होम पेज पर जाते हैं तो यहाँ पर अब सिर्फ दो कैटेगरीज रह गई हैं, न्यू ब्लॉग और ओल्ड ब्लॉग की। अब अगर मैं होम पर क्लिक करूँ तो ये होम पेज ओपन कर देगा जो कि इसका मेन पेज होगा। उसके बाद न्यू ब्लॉग पर अगर मैं क्लिक करूं तो ये मुझे जो न्यू ब्लॉग के अंदर जो ब्लॉग्स होंगे वो शो करेगा, और ओल्ड ब्लॉग पर अगर मैं क्लिक करूं तो ये जो ओल्ड ब्लॉग वाला कैटेगरी होगी ये मुझे वो शो कर देगा। अब अगर हम अपने ब्लॉग के जो होम पेज पर जाएं तो यहाँ पर हमें नीचे एक ये जो छोटा सा एड सा शो हो रहा है आपको, ये यहाँ पर जो एड आपको शो हो रहा है एक गूगल एड्स के लिए, जो कि अभी आपका क्योंकि एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला तो हम यहाँ पर बैक आते हैं। एड प्लेसमेंट जो नीचे लिखा हुआ है हम इस पर क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पर जो है आपने ये जो ऊपर शो दिस विडजिट है इसको बस ऑफ कर देना है और इसको सेव कर देना है, तो यहाँ पर ये जो ऐड है वो यहाँ पर शो हो रहा है वो बंद हो जाएगा। तो अब मैं ये ब्लॉग पे वापस आके इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये जो नीचे ऐड था वो अब रिमूव हो गया है। अब ये जैसे सबसे ऊपर ये जो कुछ आपको आइकन्स शो हो रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये वाले पोस्ट रिमूव हो जाएँ टॉप फीचर सेक्शन पर आके आप इसको ऊपर से बंद कर देंगे तो ये बंद हो जाएगी। इसको सेव करते हैं, सेव करके वापस आके इसको अगर रिफ़्रेश करें तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। इस तरह से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं करना चाहता, मैं दोबारा से करके इसको ऑन कर देता हूँ और अब सेव पर क्लिक करता हूँ तो ये वापस आ जाएगा। ये जो ऊपर टॉप बार वाला सेक्शन था ये वापस आ जाएगा, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो अब वो वाला जो सेक्शन था वो वापस आ जाएगा। अब ये जो हेडर पोस्ट वाला ऑप्शन है इस पर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर ये जो ऊपर आपको मेन पर ये जो सबसे पहले वाली पोस्ट है वो शो होंगी और इसके अलावा ये जो ऊपर लाइन लिखी हुई है आपको ये वाली शो होगी। आप इसको खुद से चेंज भी कर सकते हैं, अगर आप यही रहने देना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ ऑल अपलोडेड ब्लॉग्स और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये सेव करने के बाद जो है अब मैं वापस आता हूँ अपने ब्लॉग पर, ब्लॉग पर आने के बाद मैं इस पेज को जो है रिफ़्रेश करता हूँ तो ये लाइन जो है वो चेंज हो जाएगी जो अभी मैंने वहाँ पर लिखी है। उसके अलावा आप अगर चाहें तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद जो मोस्ट रिसेंट पोस्ट है इस पे जो हमारा जो आपको मेन पेज पर ये वाली पोस्ट जो शो हो रही है ये वाली है। इसके अलावा यहाँ नीचे भी एक ऐड शो हो रही है, मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। तो इस ऐड को जो है बंद करने के लिए मैं वापस ब्लॉगर पर आता हूँ और ये नीचे आकर ये जो नीचे ऐड प्लेसमेंट है मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इस पर क्लिक करने के बाद ये जो ऊपर है इसको मैं बंद कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ।
अब ये हमने जो मेन पेज है, मेन पेज की जो है हमने कस्टमाइजेशन कर ली है। फुटर की कस्टमाइजेशन हम एक साथ ही करेंगे, ये जो नीचे फुटर है इसके लिए हम कोई एक जो है ब्लॉग ओपन कर लेते हैं, कोई एक पोस्ट जो है इसकी। तो ये मैंने जो कोई पोस्ट ओपन किया है एक, तो ये साइड पर आपको ये काफ़ी ज़्यादा जो है एडिशनल चीज़ें शो हो रही होंगी, जैसे सोशल प्लगइन्स हैं, उसके अलावा अबाउट मी है, लेबल्स हैं, ये सारा कुछ है। अब ये हमने कैसे चेंज करना है, इसके लिए हम वापस लेआउट में आते हैं अपने ब्लॉगर में आकर। तो यहाँ पर ये जो साइड बार राइट है, यहाँ पर पॉपुलर पोस्ट्स हैं, पॉपुलर पोस्ट तो आपने ऑन ही रहने देना है, आप इसको अपनी मर्ज़ी से जो एडजस्ट कर सकते हैं। और ये ऑन रहेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि आपको कोई एक ब्लॉग पर कोई आ गया तो आपको फ़ायदा होता रहेगा। इसके अलावा ये जो एड्स है आपने इस पर क्लिक करना है और इसको इधर से बंद कर देना है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये ऊपर ये जो आपको साइड पे गूगल एड्स शो हो रहा है, आपने इसको यहाँ पे बंद करना है और इसको सेव कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको सोशल प्लगइन्स का एक जो है ऑप्शन शो हो रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको जो है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह के ऑप्शन शो हो रहे हैं। आप यहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी के लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर फेसबुक पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो थीम का पहले से जो इनका अपना जो कॉपीराइटेड जो यूआरएल है वो यहाँ पर पेस्ट है, मैं इसको बंद करता हूँ और कैंसिल कर देता हूँ नीचे से इसको मैं, क्योंकि ये डुप्लीकेट ओपन हुआ है इस वजह से नहीं हो रहा, अब मेन अब ओपन हुआ है। तो मैं इसको यहाँ से ऑफ़ करके सेव पर क्लिक करता हूँ और आपको भी दिखा देता हूँ कि ये कैसे शो होता है। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर ये जो ऐड है ये भी बंद हो जाएगी और सोशल प्लगइन जो था वो भी बंद हो गया है। अब अगर आप इसको ओपन ही रखना चाहते हैं तो मैं ये बैक आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद इसको जो है ओपन कर देता हूँ और मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक कॉपी किया वो यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देता हूँ। उसके लिए ये जो पेंसिल वाला साइन है इस पर क्लिक करना है, साइट यूआरएल पे ला के मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक पेस्ट कर देना और सेव पर क्लिक करना है। और इसको जो है इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर भी खाली हैशटैग लगा देता हूँ क्योंकि कॉपीराइटेड था। और मैं यहाँ पर नीचे जो सेव लिखा है इस पर क्लिक कर देता हूँ। आप यहाँ पे अपने सारे सोशल मीडियाज़ के लिंक लगा सकते हैं। अब मैं वापस आके इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये वापस आ गया होगा। और मैंने क्योंकि खाली इंस्टाग्राम पर अपने लिंक लगाया तो मैं इंस्टाग्राम को ओपन करके देखता हूँ तो ये यहाँ पर जो है इंस्टाग्राम जो है ओपन हो जाएगा। और ये मेरे ख्याल में मुझे कहेगा कि पहले मैं लॉगिन करूं फिर ये मुझे दिखाएगा, तो आपका लिंक जो है वो प्रॉपरली वर्क करेगा ऐसे भी। अब अगर मैं बैग आके किसी और सोशल मीडिया पे क्लिक करूं तो ये मुझे वापस उसी पेज पे ले आएगा क्योंकि उनमें कोई लिंक नहीं लगा हुआ। अब अगर हम नीचे देखें तो ये नीचे लेबल्स शो हो रहे हैं आपको, आपने ये लेबल्स भी एडिट करने हैं इनकी, ये ज़्यादा शो हो रहे हैं आपने इनको कम कर देना है। उसके लिए आपने वापस अपने ब्लॉगर पर आना है, ये जो नीचे लेबल्स लिखा हुआ है आपने लेबल्स पर क्लिक करना है। लेबल्स पे क्लिक करने के बाद आपने ये जो ऑल लेबल लिखा हुआ है आपने इसको सिलेक्टेड लेबल्स पे क्लिक कर देना है और इसको स्क्रॉल डाउन करके चेक ऑल की जगह आपने न्यू ब्लॉग और ओल्ड ब्लॉग जो है सिर्फ वही रहने देना है, क्योंकि ये जो मेन फीचर जो इसके मेन कैटेगरीज हैं वो यही हैं। तो मैं इसको सेव करता हूँ और अब बैक आके अगर हम रिफ़्रेश करें तो ये यहाँ पर सिर्फ न्यू ब्लॉग और ओल्ड ब्लॉग वाले जो है कैटेगरीज और लेबल ही शो करेगा। अब इसके अलावा ये जो फॉलो बाय ईमेल है ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको ओपन रहने देना चाहें या बंद करें, क्योंकि इस पर अगर कोई अपनी ईमेल से आपको सब्सक्राइब करेगा तो आप जैसे कोई पोस्ट अपलोड करेंगे तो उसको नोटिफिकेशन चला जाया करेगा। मैं इसको बंद कर देता हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप चाहे इसको ओपन ही रहने दें। बंद करके वापस आके इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये यहाँ से रिमूव हो गया होगा। अब इसके अलावा ये जो कमेंट वाला सेक्शन है इसको रहने दें और ये जो वेबसाइट का नेम लिखा है आप इसको भी रहने दें, लेकिन अगर आप इस कमेंट वाले सेक्शन को रिमूव करना चाहते हैं तो वो ये यहाँ पर है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इसके अलावा ये जो सैम्पल वेबसाइट हेडर जो है यहाँ पर आपको आपकी ब्लॉग वाली वेबसाइट में शो नहीं होगा ये, लेकिन अगर आप ये लगाना चाहें तो जो है आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर पहले से कोई इमेज लगी नहीं हुई, आप पे अपलोड इमेज फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करें, यहाँ पर जाकर जहाँ पर आपके पास कोई इमेज पड़ी है वो लाकर यहाँ पे अपलोड कर दें तो ये जो है थोड़े टाइम के बाद जो है शो होने लग जाएगी। अब मैं यहाँ पर इसको सेव कर लेता हूँ, सेव होने के बाद इसको जाकर रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर अभी तो शो नहीं होगी लेकिन ये थोड़ी देर के बाद शो होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा ये जो आपको ब्लॉगर का लोगो शो हो रहा है पावर्ड बाय ब्लॉगर लिखा हुआ है, आपने ये एट्रीब्यूशन पे आना है। एट्रीब्यूशन पे आके आपने यहाँ पर ये कॉपीराइट जो है ऑप्शनल है आपने इसको यहाँ से रिमूव कर देना है, इसको ओके कर देना है और अब जाके दोबारा अपनी वेबसाइट पर जाके उसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये जो कॉपीराइटेड था पावर्ड बाय ब्लॉगर लिखा हुआ था ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा।
अब ये सैम्पल वेबसाइट और अबाउट मी के दरमियान में आपको एडिशनल एक लाइन शो हो रही होगी, इसको कैसे रिमूव करना है? रिपोर्ट व्यूज पे आके आप यहाँ से इसको जो है बंद कर लें तो ये लाइन भी शो होना बंद हो जाएगी। इसके बाद सेव पर क्लिक करते हैं और बैक जाके इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो यहाँ से ये वाली लाइन जो है एडिशनल लाइन वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। इसके अलावा ये जो अबाउट मी वाला सेक्शन है ये क्या चीज़ है, इस पर अगर कोई क्लिक करेगा तो ये चला जाएगा आपके वहाँ पर। अगर आप इसको ओपन ही रहने देना चाहें तो ये अच्छी चीज़ है, लोगों को पता चल जाएगा कि आप हैं कौन। जैसे मैं भी आपको ये अबाउट मी पर क्लिक करके भी दिखा देता हूँ। तो ये मैंने अबाउट मी पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये मुझे माई ब्लॉग्स प्ले है क्योंकि मैं अपनी खुद से ही लॉग इन हूँ। तो कोई और ये करेगा तो उसको मेरा नाम और उसको ब्लॉगर के मेरी डिटेल्स वगैरह शो हो जाएंगी। उसके अलावा ये वाले लेबल्स जो हैं इनको भी ऊपर, ये जो मंथ लिखा है इसको वैसे ही रहने दें। ये जो नीचे वाले लेबल्स हैं इनको भी अब हम कम करेंगे। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो है फीचर्ड पोस्ट्स जो हैं उसको हम वैसे ही रहने देंगे। सर्च इन दिस ब्लॉग को भी वैसे ही रहने देंगे। एडसन्स वाले जो हैं इनको आप ओपन अभी तो है नहीं, जब आपको अप्रूवल मिलेगा तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे। ब्लॉग आर्काइव है इसको आप वैसे ही रहने दें। यहाँ पर ये मंथली बेसिस पर है, इसको मंथली पर ही रहने दें। आप अपनी मर्ज़ी से अगर चाहें तो इसको वीकली या डेली बेसिस पर भी कर सकते हैं, वो आपकी खुद की मर्ज़ी है। मैं इसको मंथली पर रहने देता हूं। अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूं। कैंसिल करने के बाद यहां पे लेबल्स जो हैं वो भी हैं, पेजेस जो हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेजेस कैसे बनाते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ होम का पेज है तो अभी हम इसको वैसे ही छोड़ देते हैं। तो अभी ये जो एड प्लेसमेंट है ये हमने थोड़ी देर पहले बंद किया था। अब इसके अलावा ये बाकी फुटर वाले जो हैं ऑप्शंस वो भी हम देखते हैं कि हमने उसमें कैसे चेंजिंग वगैरह करनी है। तो ये यहाँ पर फुटर इन्फो पे सबसे पहले मेड विद लव बाय, हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है उनकी खुद का एक लोगो लगा होगा, हमने इसको आप चेंज कर लें अगर आपके पास लोगो पड़ा हुआ है। तो मैं इसको भी ऐसे ये वाला नीचे जो आपको शो हो रहा है यहाँ पर ये वाला ये है, तो इसको मैं यहाँ से अभी फ़िलहाल बंद कर देता हूँ। जब मेरे पास लोगो होगा मैं इसको ऑन कर लूँगा। तो इसको बंद करके मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से ये जो है रिमूव हो गया होगा, इसकी जगह सिर्फ ये जो सोशल आइकन्स हैं सोशल मीडिया के सिर्फ वही शो हो रहे होंगे। तो ये यहाँ पर आपके सामने सिर्फ सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं वही रह गए। इसके अलावा ये फॉलोअर्स जो है यहाँ पर ही वो सोशल मीडिया वाले सारे आइकन्स हैं, आप यहाँ पर इनके अंदर अपने खुद के जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं वो यहाँ पर लगा दें। मैं यहाँ पर मेरे पास सिर्फ क्योंकि इंस्टाग्राम का लिंक अभी मैंने कॉपी किया हुआ है वो यहाँ पर अपलोड करता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। बाकी जो सारे उनके हैं आप यहाँ पर बाकी सब अपने जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं फेसबुक ट्विटर यूट्यूब और रेडिट वगैरह या कोई और भी अगर आप ऐड करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसको जाकर मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर जो मेरा इंस्टाग्राम का मैंने लिंक लगाया है वो यहाँ पर लग गया होगा। इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ तो ये यहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक ऊपर आपको नाम शो हो गया होगा यूआरएल में। मेरा यूज़र नेम ऊपर शो हो रहा है और अब देखते हैं कि ये ओपन होता है या नहीं होता। ये बिल्कुल ओपन हो गया, बिल्कुल वर्किंग में है ये। अब इस तरह से आप सारे अपने सोशल मीडिया के लिंक्स वहाँ पे लगा देंगे तो यहाँ पर जो है आपको कोई क्लिक करेगा तो वो आपके सोशल मीडिया पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे ये कैटेगरी और रिसोर्सेज वाले भी आपको शो हो रहे हैं, हमने इसमें भी चेंजिंग करनी है क्योंकि ये उनके खुद के यहाँ पर जो है हेल्थ वगैरह वाले ऑप्शन हैं। हमने इसको खुद को चेंजिंग कैटेगरी में क्लिक करते हैं। हमारे पास क्योंकि अभी सिर्फ न्यू ब्लॉग और ओल्ड ब्लॉग की कैटेगरी है तो वो हम यहाँ पर वो लगा देंगे। तो मैं ये जो हूँ हेल्थ पे क्लिक करके इसको न्यू ब्लॉग में चेंज कर देता हूँ। और ये जो नीचे म्यूज़िक वाला है इस पे मैं क्लिक करके इसको ओल्ड ब्लॉग पे मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। और फिर ये सेव जो लिखा है इस पर क्लिक करता हूँ। सेव पर क्लिक करने के बाद ये जो बाकी जितने हैं ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी इनमें मैंने लिंक कहाँ से लगाना है मैं वापस अपने ब्लॉग में आता हूँ। इसको टॉप पे ले जाता हूँ, मेन्यू में सबसे पहले है न्यू ब्लॉग, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इसका यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ और इसका यूआरएल कॉपी करने के बाद न्यू ब्लॉग वाले ऑप्शन में इसका यूआरएल मैं अपलोड कर देता हूँ, पेस्ट करूँ यहाँ पर साइट यूआरएल पे। उसी तरह से बैक जाकर अब वहाँ से जो है ओल्ड ब्लॉग का यूआरएल वहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ओल्ड ब्लॉग पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर जाके इसका यूआरएल कॉपी करते हैं और वहाँ पर जाके इसका यूआरएल जो है वो अपलोड कर देते हैं। इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ, यहाँ नीचे वाले ऑप्शन से भी सेव कर देता हूँ। ऐड न्यू आइटम आप तब करेंगे जब आपके पास कैटेगरी ज़्यादा होंगी। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये कैटेगरीज में अब मेरे पास न्यू ब्लॉग और ओल्ड ब्लॉग की कैटेगरीज आ गई हैं जो पहले से इनकी थी हेल्थ फूड वगैरह वाली। वो इसके अलावा रिसोर्सेज हैं यहाँ पर, आप रिसोर्सेज में भी चेंजिंग कर सकते हैं अगर आप इसको बंद करना चाहें तो, वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। और अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर कोई और अपना टाइटल दें रिसोर्सेज की जगह आप खुद से कोई टाइटल देना चाहें तो मैं जैसे ये रिसोर्सेज है इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं यहाँ से रिमूव करके इसका नाम चेंज कर देता हूँ।
आप भी ऐसे ही करेंगे तो आपका नाम चेंज हो जाएगा। रिसोर्सेज की जगह मैं यहाँ पर टाइटल्स लिख देता हूँ खुद से। तो ये जो बाहर वाला फुटर मेन्यू था उसमें ये जो है रिसोर्सेज की जगह पर टाइटल लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, और ये जो बाकी ऑप्शंस हैं इसके जो लिस्ट है जो बाकी, यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग कर सकते हैं जब आपके पास हो। इसको मैं सेव कर देता हूँ, अब तो वहाँ पर रीनेम हो गया होगा। फुटर मेन्यू जो है इसका, अब हम इसको देख लेते हैं कि ये जो नीचे आपको होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी लिखा हुआ है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा कि ये आप बनाते कैसे हैं और इनके लिंक वगैरह जो हैं वो यहाँ पर कैसे ऐड करते हैं। तो अभी के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर ये जो हमारे पास है होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, ये पेजेस ज़रूरी होते हैं। ये अगली वीडियो पे मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसे बनाते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ अभी के लिए। उसके अलावा ये नीचे आपको फुटर एट्रीब्यूशन नाम का जो है फुटर कॉपीराइट शो हो रहा है। हम इस पे ज़्यादा चेंजिंग नहीं कर सकते, ज़्यादा चेंजिंग करेंगे तो वो हमारे जो है थीम है उसमें इशू करेगा। तो हम इसमें छोटी सी चेंजिंग कर देते हैं, जैसे हम इसको अगर आपको इसको बंद करके दिखाता हूँ, बंद करके मैं दिखा के इसको होम पेज पर अगर अपने चला जाऊँ तो ये क्या करेगा, ये मुझे अपनी जो इसका मेन पेज है वो ये मुझे उस तरफ रीडायरेक्ट कर देगा, उस वेबसाइट की तरफ जिसके पास जो है 100% इस थीम के कॉपीराइट जो है वो राइट्स हैं। तो हम इसको ऑन ही रहने देते हैं। ऑन करके मैं बैक आके जो है इसको होम पर लेकर जाकर रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये अब जो है कोई इशू नहीं करेगा, बल्कि नीचे दोबारा से जो है फुटर जो है ये वो शो करेगा। इसको होम पर ले जाता हूँ फिर ये शो करेगा, क्योंकि अभी ये पेज जो है वो रिफ़्रेश नहीं हुआ हुआ। तो हम इस ऑप्शन में इतनी ज़्यादा चेंजिंग कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम ये नहीं है कि बिल्कुल भी इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। मैं आपको दिखा देता हूँ हम इसमें चेंजिंग क्या करते हैं। होम पर जाते हैं, होम पर जाकर मैं आपको दिखाता हूँ कि वो दोबारा से आ गया डिज़ाइन बाय जो है इसका जो इनके पास कॉपीराइट है इनके 100% उनके पास। इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट्स जो जहाँ पर लिखा हुआ है हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। अगर मैं फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट पर यहाँ पर क्लिक करूँ और यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नेम लिख दूँ, जैसे सैम्पल वेबसाइट मैं यहाँ पर लिख दूँ, और इसके बाद मैं इसको सेव कर दूँ। सेव करने के बाद मैं बैक जाता हूँ अपनी वेबसाइट पर, और वेबसाइट पर जाने के बाद इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब ये कोई इशू नहीं करेगा और मेरी वेबसाइट का जो नेम है डिस्ट्रीब्यूटेड बाय जो सैम्पल वेबसाइट्स है ये वो शो कर देगा। आप इस तरह से इसमें हल्की सी चेंजिंग कर सकते हैं, स्लाइड से चेंजिंग, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये जो ऊपर वाला जो इसका मेन यूआरएल है वो चेंज करेंगे तो ये दोबारा से इशू करेगा, और मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर जो उनका पहले का यूआरएल है मैं इसको भी कॉपी करके सेपरेटली जो है एक न्यू विंडो में इसको जो है पेस्ट कर देता हूँ, ताकि कोई मसला हो तो मैं दोबारा से यहाँ पर आकर इसको अपलोड कर दूँ। तो मैं यहाँ पर न्यू विंडो ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं उस वाले लिंक को जो है पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर उस लिंक को पेस्ट करने के बाद वापस अपनी वेबसाइट पर जाता हूँ, अपना लिंक कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद ये जो है इसको मैं इससे रिप्लेस कर देता हूँ, सेव पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं वापस अपनी वेबसाइट पर आके इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये मुझे दोबारा से उसी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देगा। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये वाली चेंजिंग करने की बार बार। तो मैं बैक आकर दोबारा से वो वाला लिंक लगा देता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही था, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। बाकी चीज़ें अगले पार्ट में मैं आपको बताऊँगा। देखने के लिए शुक्रिया।